डीटीपी के अंतर्गत यूनिट सेकंड जो है उसमें पेज मेकर के बारे में पूरी जानकारी दी गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं पेज मेकर के बारे में। पेज मेकर होता है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर दिखा देता हूं। कुछ इस प्रकार का एडोब पेज मेकर 7.0 आपको दिखाई देता है। यहां पर आपको ये टूल बॉक्स मिल जाता है, इसके अलावा ऊपर आपको मेन्यू मिल जाते हैं, यहां पर आपको ये पैलेट मिल जाता है, इसको पैलेट बोला जाता है, ये पैलेट मिल जाता है। यहां पर आप फाइल पे जाते हैं, न्यू ऑप्शन पे जाते हैं, ये डॉक्यूमेंट सेटअप आ जाता है। डॉक्यूमेंट सेटअप के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है, क्या क्या ऑप्शन यहां पर दिखाई देते हैं, ये सारे ऑप्शन आपको समझना होगा। इसका डायलॉग बॉक्स भी आपको बनाने को आएगा, ठीक है। इसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पेज मेकर का पहला पेज इस प्रकार से आपको दिखाई देने लगता है, और इसके अंतर्गत ये सारे मेन्यू और ये पूरा आपका एनवायरमेंट जो है इसका इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। चलिए आप थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, क्या थ्योरी में बताया गया। सबसे पहला प्रश्न आता है पेज मेकर क्या है, इसकी विशेषता बताइए। एडोब पेज मेकर सबसे पहले 1985 में एप्पल मैकिंटोश पर एल्डर्स द्वारा पेश किया गया डेस्कटॉप कंप्यूटर प्रोग्राम है। बाद में से एडोब कॉर्पोरेशन ने ग्रहण किया, इसके बाद इसके कई वर्जन बाजार में जारी किए गए। एडोब पेज मेकर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग ब्रोशर, फ्लायर्स, न्यूज़लेटर्स, रिपोर्ट्स और कई अन्य व्यावसायिक गुणवत्ता के दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। व्यवसाय या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रोग्राम उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज को फॉर्मेट करने, लेआउट को समायोजित करने, विभिन्न डिजाइन विवरण को बदलना आसान बनाता है, जैसे कि ग्राफिक्स और फॉन्ट, दस्तावेज को प्रिंट करने और वितरित करने से पहले। अब एडोब पेज मेकर जो है 7.0 डेस्कटॉप प्रकाशन पब्लिकेशन का एक अंतिम संस्करण है। हालांकि यह अभी भी एडोब द्वारा बेचा और समर्थित है, एडोब पेज मेकर 7.0 मूल रूप से 2002 में जारी किया गया था। यह छोटे व्यवसायों और पेशेवरों के लिए डिजाइन किया गया था। यह प्रिंटिंग के लिए चीजों को डिजाइन करने और पोस्टरों से लेकर रिपोर्ट तक के लिए बनाया गया है। आज के समय में एडोब पेज मेकर की जगह पर अब लोग कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल करते हैं। कोरल ड्रॉ ज्यादा आप बोल सकते हैं उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। पेज मेकर जो है अब आउटडेटेड हो गया है, इसका इस्तेमाल आपको बहुत ही कम जगह पर या ना के बराबर देखने को मिलता है। बट अपने सिलेबस में इस कारण से अपने इसको पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ मुख्य रूप से इसकी थ्योरी देखनी है कि किस प्रकार से आप इसको लिख पाओगे, ठीक है। अब पेज मेकर की बात करते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है। इसमें टेम्पलेट को ऐड किया गया है, आपको बने बनाए कुछ टेम्पलेट मिल जाते हैं। जैसे आप इसके सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो आपको सबसे शुरुआत में टेम्पलेट दिखाई दे जाते हैं, जिसके माध्यम से आप विभिन्न जितने भी ऑलरेडी बने हुए इसकी सेटिंग्स हैं उनको आप ओपन करके डायरेक्ट उसमें एडिटिंग करके इसको बना सकते हो। इस एडिशन में पहली बार टूल बार को जोड़ा गया था। इसमें कलर मैनेजमेंट का प्रयोग होता है, क्लिप आर्ट का प्रयोग होता है, और भी बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें आपको दिखाई देती है। अब इसके देखो विंडो के बारे में बात करते हैं। विंडो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई हुई है सॉफ्टवेयर में, ये इस प्रकार की विंडो आपको दिखाई देती है, जिसमें ये जो ऊपर का भाग होता है स्टैंडर्ड टूल बार होता है, ठीक है। सबसे ऊपर मेन्यू होता है, इसको टूल बॉक्स कहते हैं, यहाँ पर कर्सर चलता है, ये मार्जिन लाइन होती है, ये पेज बॉर्डर होती है ब्लैक वाली, साइड में जो होता है इसको गाइड बोलते हैं, ठीक। नीचे कंट्रोल पैनल आता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर मास्टर पेज ऐड होते हैं। मास्टर पेज में आपको दिखा देते हैं, यहाँ नीचे की तरफ आपको एल और आर दिखाई दे रहा है, एल और आर लिखा हुआ है, ये मास्टर पेज कहलाते हैं, ठीक है, इसको मास्टर पेज कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में अभी आगे चल के अपन पेज मेकर में और इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो ये तो हो गया इसके कौन कौन से भाग होते, पूरा एनवायरमेंट क्या होता है इसके बारे में, तो इसको आपको समझाना होगा। और अगर बना सकते हैं तो इस डायग्राम को अगर आप बना देते तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। डायग्राम अगर आप इसका एनवायरमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो डायग्राम बना के अगर आप समझा देते हैं तो आपके नंबर कहीं नहीं गए, बहुत शानदार नंबर आपको इस क्वेश्चन के आंसर में मिल सकते हैं। पेज मेकर में मेन्यू के बारे में समझाइए, मेन्यू बार के बारे में, कितने मेन्यू होते हैं, नाम याद कर लीजिएगा, फाइल होता है, एडिट होता है, लेआउट होता है, टाइप होता है, एलिमेंट होता है, यूटिलिटीज होता है, व्यू होता है, विंडो होता है, हेल्प होता है, ठीक है। अब ये जो नाम है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमको नाम याद नहीं होते, किसी भी प्रकार की लिस्ट बना लो, किसी भी प्रकार के नाम या लिस्ट होती है वो हमको याद नहीं होती है, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं अपन। अब इसको याद करने के लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए, फाइल, एडिट, लेआउट, टाइप, एलिमेंट, यूटिलिटी, व्यू, विंडो और हेल्प, ये कुछ नाम दिए गए हैं, आप चाहते हो ये आपको रट जाए, ऐसे रट जाए कि आप इसको जिंदगी में दोबारा कभी भूल ना सको। तो इसके लिए करना सिंपल आपको ये है कि आपको एक कहानी बनानी है, कहानी बनानी और कहानी बना के इस पॉइंट को याद कर लेना है। कहानी कोई भी एक सिंपल सी हो सकती है, मैं आपको याद कराने का प्रयास करता हूं इसको, और आप इस चीज को एहसास करोगे कि आपको ये पॉइंट याद हो चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आप अपने घर में जाते हो, ठीक है, आप इसको इमेजिन करते जाना, आप अपने घर जा रहे हो, घर में आप जैसे अंदर बहुत तेजी से दौड़ते दौड़ते आप घर के अंदर घुसते हो, घर के अंदर घुसते ही से आपने सबसे पहले अपने ड्रॉज खोला,
ड्रॉज खोलने के बाद आपने देखा उसमें एक फाइल पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? एक फाइल पड़ी है। उस फाइल में आपने देखा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप किसी को नहीं बताना चाहते थे, मतलब आपने कुछ सीक्रेट उसमें छुपा के रखा, कोई फॉर्मूला आपने छुपा के रखा था। अब वो सीक्रेट को क्या करते हो, आप उसको छुपाना चाहते हो, तो उस फाइल के अंतर्गत तो सीक्रेट को छुपाने के लिए आपने क्या कर दिया, उसको एडिट कर दिया। अब आप चाहते हो कि एडिट कर दिए ताकि किसी को दिखाई ना दे, एडिट किया, एडिट करने के बाद आपने उसका लेआउट भी बदल दिया, आपने लेआउट बदल दिया, लेआउट मतलब उसका ऊपर का कवर भी आपने चेंज कर दिया। ठीक है, आप दौड़ के घर पे गए, आपको एक क्या आपने ड्रॉज के अंदर क्या खोला, आपने फाइल खोली, फाइल के अंदर आपने एडिट कर दिया, एडिट करने के बाद उस फाइल का आपने लेआउट बदल दिया, लेआउट बदलने के बाद आपने अपने टाइप को चेंज किया, टाइप मतलब आपने अपना मेकअप चेंज किया, आप अपने आप को बदलने लगे। ठीक, आपने क्या किया, अपना टाइप चेंज किया। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल ऐसे आपको कुछ कहानी ऐसे जोड़ के बताना चाहता हूं कि आपने एक टाइप चेंज किया, अपना टाइप बदला। ठीक, आप अभी पहले बहुत सज्जन से बने थे, उसके बाद आप अचानक से आपने दाढ़ी वगैरह लगा ली, आपने बड़े बड़े बाल लगा लिए और आपने अपना टाइप बदल दिया। टाइप बदलने के बाद आपने देखा कि एक एलिफेंट बाहर खड़ा है, एलिमेंट वर्ड को हम एलिफेंट से जोड़ते हैं ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। अब आपने देखा खिड़की से झाँका तो देखा कि बाहर एक एलिफेंट खड़ा है, उस एलिफेंट के पास बहुत सारी यूटिलिटी है, उस एलिफेंट के पास बहुत सारी यूटिलिटी है। इसको हम और किसी वर्ड से जोड़ देते कि भाई एलिफेंट ने बहुत सारी उल्टी की हुई है, एलिफेंट ने बहुत सारी उल्टी की हुई है, यूटिलिटी वर्ड को हम उल्टी से जोड़ देते हैं कि एलिफेंट ने बहुत सारी उल्टी की हुई है। ये कहानी सिर्फ आपको याद कराने के लिए, पॉइंट याद कराने के लिए, एक बार की मेहनत जिंदगी भर याद रहेगी। उल्टी की हुई है, आपने देखा यार ये उल्टी की हुई है, आप इस व्यू को अपनी विंडो से देख रहे थे, आप इस व्यू को अपनी विंडो से देख रहे थे और वहां से आपने फिर हेल्प मांगी कि भाई ये क्या हो रहा है, आप वहां से हेल्प मांगने लगते। ठीक है, अब कहानी एक बार फिर से आंख बंद करके आप दोहराते कि आप अपने घर पे दौड़ के आते, दौड़ के आने के बाद आपने सबसे पहले ड्रॉज में एक फाइल देखी, फाइल के अंदर आपने कुछ एडिट किया और उसका लेआउट बदल दिया, लेआउट बदलने के बाद आपने फाइल का लेआउट बदलने के बाद आप अपना टाइप आपने चेंज किया, अपना टाइप चेंज किया, अपने आपको बदल लिया, बदलने के बाद आपने देखा बाहर एक एलिफेंट खड़ा है, आपने बाहर देखा एक एलिफेंट खड़ा है जिसने बहुत सारी उल्टी की हुई है और ये व्यू जो है वो आप अपनी विंडो से देख रहे थे और आप उसके बाद हेल्प मांगने लगते हैं। अब इसी कहानी को अगर आप आंख बंद करके याद करोगे तो ये सारे जो नंबर हैं, ये सारे जो पॉइंट हैं, ये जो चीजें हैं, ये आपको रट गई हैं। अब आप बिना इसको समझे सिर्फ कहानी स्टोरी को याद करोगे तो ये सारे नाम आपके दिमाग में आपको चल जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या करना है वो चीज आप देख सकते हो। फाइल के अंदर क्या होता है, फाइल के अंदर नॉर्मली किसी भी फाइल को ओपन करने, क्लोज करने, सेव करने, इंपोर्ट करने, एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड मेन्यूज होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। एडिट के अंतर्गत कट कॉपी पेस्ट से रिलेटेड मेन्यूज होते हैं, वो आपके बारे में बताया गया है। लेआउट के अंतर्गत आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के मेन्यू होते हैं। उसके बाद टाइप की बात करते हैं तो टाइप में आप देखेंगे अलाइनमेंट होता है, कुछ और भी फॉन्ट होते हैं, आकार होते हैं, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एलिमेंट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो इन्हीं सभी ऑप्शन के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आपको देख लेनी है। ये आप इंटरनेट पे जब सर्च करेंगे तो इसकी इमेज मिल जाएगी, उस इमेज को आप सेव कर लीजिएगा ताकि इसके अंदर क्या क्या देखे। आप इसे यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको ये वीडियो में स्क्रीनशॉट लेने का देता हूं। फाइल का ऑप्शन ओपन किया मैंने, स्क्रीनशॉट ले लो आप यहां से। एडिट ऑप्शन करता हूं मैं ओपन, यहां से स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको लिखने के लिए हो जाएगा कि किसके अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है। लेआउट ऑप्शन पे जाओ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। टाइप ऑप्शन में जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। एलिमेंट के अंदर का इसका स्क्रीनशॉट ले, पूरे नहीं लिखना है आपको, कुछ कुछ पॉइंट जो है यहां पर एक्सप्लेन कर देना है। यूटिलिटी के अंदर स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसके कुछ पॉइंट आपको लिख लेना है। व्यूज के अंदर के कुछ पॉइंट आप लिख देंगे, विंडोज के अंदर के कुछ पॉइंट आप लिख देंगे, ठीक है, और हेल्प के अंदर के कुछ पॉइंट लिख देंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे ऑप्शन जो मेन्यू के अंदर आते हैं उसके अंदर क्या क्या मिलता है, दो दो चार चार अगर आप याद कर लेंगे तो इससे क्या होगा, आपके लिखते समय आपको बहुत मदद हो जाएगी। अगला प्रश्न आता है इसके टूल बॉक्स का, टूल बॉक्स में क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं। यहां पर देखो टूल बॉक्स यहां पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, यही टूल बॉक्स यहां पर आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। इस टूल बॉक्स में किस भाग को क्या कहते हैं उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले लेफ्ट में सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल के बाद यहां पर आप देखोगे टेक्स्ट टूल आपको दिखाई देगा, इसको टी जो बना हुआ है टेक्स्ट टूल बोलते हैं। इसके बाद रोटेशन टूल, ये जो गोल गोल बना हुआ है, जो क्रॉप टूल है, क्रॉप टूल के सिंपल लाइन टूल होता है, ये जो लाइन में लाइन टूल होता है। इसके बाद आता है कॉन्स्ट्रेंड टूल, कॉन्स्ट्रेंड टूल। फिर आता है रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल टूल के बाजू में रेक्टेंगल फ्रेम टूल, गोल वाला जो है इलिप्स टूल। फिर उसके बाद इलिप्स फ्रेम टूल। फिर आता है पॉलीगोनल पॉलीगन टूल जो होता है। फिर यहां पर फ्रेम पॉलीगोनल टूल होता है। ये लास्ट में हैंड टूल होता है और फिर सबसे लास्ट में कॉर्नर पे जूम टूल होता है। बहुत आसान है इन टूल को एक्सप्रेस करना, किस टूल से क्या होता है, ये कैसे काम करता है,
इसके बारे में एक कंप्लीट अलग वीडियो, टूल बॉक्स से संबंधित एक कंप्लीट अलग वीडियो जो मैं आपको दे दूंगा कि टूल बॉक्स में किस टूल का क्या उपयोग होता है, प्रैक्टिकली करके आपको बता दूंगा किस टूल को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप उसको आसानी से देख लो कि भाई रोटेशन टूल क्या होता है, लाइन टूल क्या होता है, किस टूल का क्या उपयोग होता है, आप उसको बहुत आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, अब कौन कौन से वर्जन मार्केट में एडोब पेज मेकर के अवेलेबल, इसको समझ लो। एल्डस पेज मेकर 1.0 आया था, जो कि जुलाई 1985 में आया था। मैकेंटोस के लिए 1986 में आईबीएम पीसी के लिए जारी किया गया था। फिर आया पेज मेकर 1.2 1986, ये पॉइंट लिख लेना। ठीक, क्या करोगे, कॉपी में नाम लिखना कौन सा वर्जन आया था। 1.0 आया था, कब आया था, 1985 में आया था। दूसरा आया था 1.2 आया था, कब आया था, 1986 में आया था। ठीक, उसके बाद 2.0 आया था, 1987 में आया था। मई 1987 तक विंडोज 1.0.3 के पूर्ण संस्करण के साथ प्रारंभिक विंडो रिलीज के बंडल किया गया था। फिर 3.0 आया 1988 में आया, 4.0 1990 में आया, 5.0 1993 में, 6.0 1995 में, 6.5 आया 1996 में, और 7.0 आया 2001 को जारी किया गया था, और अभी भी 7.0 ही यहां पर काम कर रहा है। ठीक है, अब डीटीपी के कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, ये पिछली क्लास में भी अपन ने पढ़ा है। शॉर्टकट कीज कौन कौन सी होती है, पेज मेकर की शॉर्टकट कीज कौन कौन सी होती है, उसके लिए ये अभी आपके सामने ये विंडो ओपन है, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका भी लेके रख सकते हैं, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, देखो बोल्ड करना होता है तो वर्ड में क्या होता है, कंट्रोल बी बस दबाते हैं, इसमें कंट्रोल शिफ्ट बी आपको दबाना होता है बोल्ड करने के लिए। बाकी यहां पर ये जितनी भी कीज हो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको यहां पर समझने में आसानी होगी, बाद में याद करने में आसानी होगी। वैसे ये शॉर्टकट कीज कभी आज तक पूछी नहीं गई है, लेकिन फिर भी आपको अगर इसको एक नज़र आप देख लेंगे तो हो सकता है अगर कहीं पर टिप्पणी वगैरह में आ जाए तो आपके काम आएगी। ठीक है, अब पेज मेकर 7.0 में नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाएं। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको मुख्य रूप से ये जो डॉक्यूमेंट सेटअप है इसके बारे में इसमें समझाना पड़ेगा, कौन कौन से ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप बना लेंगे, डॉक्यूमेंट सेटअप का डायग्राम आपको बनाना होगा एग्जाम में। सबसे पहले पेपर का साइज सिलेक्ट होता है, डायमेंशन सिलेक्ट होता है, पेपर साइज से बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डायमेंशन आ जाता है। ओरिएंटेशन की बात कर लेते हैं, टॉल यानी कि पोर्ट्रेट में, वाइड यानी कि लैंडस्केप में। ऑप्शन में डबल साइडेड चाहिए या आपको एडजस्ट लेआउट करना है, आप डबल साइडेड ले सकते हैं या इसको खाली छोड़ सकते हैं। नंबर ऑफ पेजेस आप कितने ऐड करना चाहते हैं यहां से, मार्जिन आपको कितनी छोड़नी है आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे, और लास्ट में इसको ओके कर लेंगे। यहां पर मैं आपको जाके दिखाऊंगा, फाइल में जाते हैं, न्यू ऑप्शन पे जाते हैं, ये आपका डॉक्यूमेंट सेटअप का ऑप्शन आ गया। बाय डिफॉल्ट लेटर है, लीगल है, A4 साइज लेते हैं तो डायमेंशन ऑटोमेटिक आ जाता है। टॉल मतलब लंबाई में आएगा, वाइड मतलब चौड़ाई में आ जाएगा, जैसा आप लेना चाहें। ऑप्शन में डबल साइडेड रखना चाहते हैं, फेसिंग पेज रखना चाहते हैं, इसको अपन ने चेक कर दिया। नंबर ऑफ पेजेस में मैं कर देता हूं यहां पर 5 नंबर ऑफ पेजेस करना है। ठीक है, इनसाइड मार्जिन कितनी रखना, आउटसाइड मार्जिन कितनी रखना है यहां से आप कर सकते हैं। टारगेट आउटपुट रेजोल्यूशन 300 dpi मिनिमम आपको रखना चाहिए। ओके बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर देखेंगे फर्स्ट पेज जो आता है यहां पर नीचे की तरफ देखें, यहां 1 लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद 2 और 3 एक साथ है, ये लेफ्ट और राइट, वैसे 4 और 5 एक साथ है, तो ये डबल साइडेड पेज हमने चूंकि सिलेक्ट किया था इस कारण से ये इस प्रकार से आ रहा है। तो यहां पर आप फाइल के अंदर, न्यू के अंदर डॉक्यूमेंट सेटअप, इसका पूरा डायग्राम बना के इसको डिटेल में करके बताएंगे कि आप न्यू पेज मेकर में नई फाइल कैसे ऐड करते हैं या नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है, इसके लिए आपको ये बताना है। फिर फाइल में जो भी आपको करना है उसमें बदलाव करें और उसको फाइल में जाकर सेव ऑप्शन के माध्यम से सेव कर दें, यही सारी चीज आपको वहां पर बतानी है। अब अगला जाता है कि टेक्स्ट एडिटिंग और मैनिपुलेशन ऑप्शन को बताइए। तो यहां पर ये पूरा टूल बॉक्स जब हम समझेंगे उसके अंतर्गत हम इसको समझ लेंगे कि किस प्रकार से टूल बॉक्स के अंतर्गत टेक्स्ट का और बाकी चीजें जो है वो काम करती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, किस प्रकार से होता है, किसी भी फाइल को यहां पर इंपोर्ट करना मतलब लेके आना है तो इंपोर्ट कहलाता है। फाइल में जाओ, यहां पर एक्सपोर्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहां पर प्लेस ऑप्शन मिल जाएगा, प्लेस से क्या होता है इंपोर्ट हो जाता है। प्लेस ऑप्शन में चले जाते हैं, प्लेस ऑप्शन में जाने के बाद यहां पर जो भी चीज आप लाना चाहते हो, लाइक डेस्कटॉप पे हम जाते हैं, यहां पर हम देख लेते हैं कुछ फाइल ऐसी है जो हम यहां पर ऐसे ओपन करना चाहते हैं तो हम यहां से आसानी से इसको ला सकते हैं। तो यहां पर कोई भी फाइल उठा लेते हैं अपन, लाइक एक यहां से हम इमेज है, ये इमेज हमने लिया, इसको हमने यस किया
और इस प्रकार से प्लेस कर दिया। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हमारी इमेज जो है इंपोर्ट हो गई। प्लेस माध्यम के ऑप्शन से यहाँ पर हमने इमेज को इंपोर्ट कर दिया। अब किसी फाइल को एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, टेक्स्ट में गए, यहाँ पर हमने कुछ टाइप किया, हमने वर्ड टाइप किए हैं, यहाँ पर हमने कुछ शब्द लिखे हुए हैं और अब हम इसको चाहते हैं एक्सपोर्ट करना। ठीक है, कैसे करेंगे, फाइल में गए, यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑप्शन में गए, यहाँ पर टेक्स्ट में गए और हम इस फाइल को डेस्कटॉप पे ही मान लो DTP एक्सपोर्ट नाम से हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, ये जो हमने टाइप किया इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया DTP एक्सपोर्ट नाम से। यहाँ पर देखो ये नोटपैड के अंतर्गत ये चीज जो हमने वहां लिखा वो यहाँ पर हमको नोटपैड के अंतर्गत दिखाई देने लगी। तो हमने क्या किया, पेज मेकर में जो बनाया उसको नोटपैड में हमने एक्सपोर्ट कर दिया, बाहर भेज दिया। और इंपोर्ट करना है मतलब प्लेस करने का मतलब क्या होगा, इंपोर्ट मतलब बाहर की चीज को हमने पेज मेकर में लेके आ गए। तो ये ऑप्शन आपको समझाना होगा। इसके शॉर्टकट की बताइए, प्लेस का शॉर्टकट की होता है Ctrl D के माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना, किस प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, ऑटो फ्लो क्या होता है, ऑटो फ्लो को समझ लेते हैं। ऑटो फ्लो का मतलब होता है जब आप कोई ऐसा टेक्स्ट लिखते हैं जो बहुत ज्यादा है, बहुत ज़्यादा का मतलब जो आपके पेज मेकर के यहाँ डॉक्यूमेंट में नहीं आ रहा है। लाइक मैं यहाँ पर आप देखो कुछ चीज़ें हैं जो कॉपी कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पर कोई भी एक अपन ने कंटेंट उठाया, इसको अपन यहाँ से जाते हैं, आस्क मी लेटर करता हूँ, कोई भी एक टॉपिक उठा लेता हूँ और उस टॉपिक पे डिटेल यहाँ पर अपन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लाइक मान लो यही है जो भी चीज़ अपन ने उठाई, ये अपन ने कंटेंट उठाया, ये कंटेंट हमने कॉपी किया। ठीक है, ये कंटेंट हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम इसको जाते हैं पेज मेकर पे, यहाँ पर जाने के बाद इसको हम डिलीट कर दें, हमने वापस टेक्स्ट बॉक्स लिया, यहाँ पे कर्सर रखा और हमने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक बार फिर से पेस्ट करते हैं, ये इसको पेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर हम कुछ कंटेंट निकाल लेते हैं। लाइक हमने कर दिया ऐसे हिंदी टाइपिंग या कुछ भी, अपन कोई भी एक मैटर लिख लेते हैं, मैटर फॉर टाइपिंग। ठीक है, ये इंग्लिश टाइपिंग टेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर अपने, और ये उठा लिया हमने, सपोज इसी को ले लेते हैं कॉपी, यहाँ पर जाके कि हमने पेस्ट 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 पेस्ट। ठीक, यहाँ पर गए कॉपी किया पेस्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको एडिट के अंदर दिखाई देगा एडिट स्टोरी। ठीक, एडिट स्टोरी में तो आप आसानी से यहाँ पर लिख पा रहे हो, ये हमने और पेस्ट किया पेस्ट किया पेस्ट किया पेस्ट किया, ये हमने कई बार पेस्ट कर दिया। ठीक, हमारे पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट आ गया, लेकिन जब आप इसी को, ये हमने किस में किया था, एडिट स्टोरी में। अब जैसे आप एडिट लेआउट में जाओगे तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखोगे रेड पॉइंट आपको दिखाई देगा। ठीक, रेड पॉइंट दिखाई देगा, रेड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि अभी इसके आगे भी कंटेंट है, इसके आगे भी कंटेंट है। जैसे हम रेड पॉइंट में जाएंगे तो हमारे पास ये इस प्रकार से कॉपी हो गया। ठीक, अब हमको क्या करना होगा, हमको अगला पेज ऐड करना होगा। जब हम नेक्स्ट पेज ऐड करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज में क्या कर पाएंगे, यहां पर हम अगला कंटेंट लिख पाएंगे। ये देखो इस प्रकार से ये आगे का कंटेंट इस प्रकार से यहां पर ये दिखाई देगा। मतलब जो जो आपने लिखा है वो चीज़ें आप अगर लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अगले पेज में एक से ज़्यादा पेज ऐड करो, और बहुत बड़ा मैटर है तो अगला पेज ऐड करके आप जो रेड पॉइंट है उस रेड पॉइंट में जब आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके पास आइकॉन बन जाएगा, और इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे अगले पेज में तो वो पूरा कंटेंट वहां पर आ जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, ऑटो फ्लो। ऑटो फ्लो अपने आप क्या होता है, ये आगे फ्लो करता जाता है, अगले पेज में फ्लो करता जाएगा। ठीक है, ये ऑटो फ्लो कहलाता है। इस प्रकार से लेआउट को चेंज करके आप ऑटो फ्लो कमांड के माध्यम से अगले पेज में भी चीजों को लिख सकते हो। ठीक, ये स्टोरी एडिटर का भी काम करता है, स्टोरी एडिटर के बारे में अभी अपन ने देखा किस प्रकार से स्टोरी एडिटर काम करता है। इसके बाद अगला जो हमारा यहां पर प्रश्न आता है डिफरेंट व्यूज के बारे में, कौन कौन से व्यूज होते हैं पेज मेकर के अंतर्गत। तो यहां पर जब हम जाते हैं, फाइल में जाता हूं मैं, न्यू ऑप्शन पे जाता हूं, ओके कर देता हूं, खाली पेज ले लेता हूं, व्यू के अंदर जाओ तो देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 ये 5 व्यू यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जूम इन व्यू होता है जहां पर जूम करके देखते हैं, जूम आउट व्यू होता है, एक्चुअल साइज होता है, फिट टू विंडो जो अभी चल रहा है, फिट टू विंडो और एंटायर पेस्टबोर्ड। एंटायर पेस्टबोर्ड में ये देखिए पूरा पेस्टबोर्ड ये है और यहां पर बीच में अपना पेज होता है। जूम इन करेंगे तो ये जूम इन होता जाएगा, जूम आउट करेंगे तो जूम आउट होगा,
एक्चुअल साइज ये है, फिट इन विंडो पे ये है। तो ये पांच नाम याद रखिएगा, पांच ये व्यूज हैं, पांच प्रकार के व्यूज हैं, ठीक है। कौन कौन से, जूम इन, जूम आउट, एक्चुअल साइज, फिट इन विंडो, एंटायर पेस्टबोर्ड, जूम टू। अब टैब और इंडेंट ऑप्शन को समझाइए। टैब और इंडेंट ऑप्शन, आपने ये चीजें एमएस वर्ड में भी समझी है, टैब और इंडेंट के बारे में क्या काम करता है टैब और इंडेंट, अगर अपन यहाँ पर देखें इसके अंतर्गत आपको किस प्रकार से टैब और इंडेंट को ऐड करना है उसको अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले टाइप के अंतर्गत आप देख पाएंगे इंडेंट टैब एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से विंडो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ पर भी टैब और इंडेंट लगाना है आप इसको सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है पोजीशन, हमने कर दिया, मान लो ये 1 2 3 4 5 दिया है तो हमने पहली पोजीशन पर कर दिया, सपोज यहाँ पर 2 में हमने इसको पोजीशन सेट कर दी एट टैब, 2 के बाद हमने यहाँ पर कर दिया सपोज 5 पे पोजीशन एट टैब, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको एड टैब में जाकर सेट कर सकते हैं। एड टैब करने के बाद आप इसको मूव करना चाहें, रिपीट करना चाहें, डिलीट करना चाहें, यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसको करेंगे ओके। अभी यहाँ पर जब भी आप कुछ टाइप करेंगे और टैब बटन दबाएंगे तो आपका कर्सर उसी स्पेस के साथ दो पॉइंट के साथ ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये यहाँ पर टैब यहाँ पे आगे बढ़ा, ये ऊपर की स्केल के हिसाब से ये दो आगे बढ़ा। इसका मुख्य मतलब होता है, टैब का मतलब क्या होता है, आपके कीबोर्ड में आप देखोगे टैब बटन होती है, टैब बटन को आप एक प्रीसेट पे स्पेस दे देते हो कि भाई मान लो जैसे अपन स्पेस दबाते हैं, नॉर्मल स्पेस दबाते हैं तो ये 0.5 स्पेस बस आगे बढ़ता है, लेकिन आपको चाहिए कि आप 2 के बाद डायरेक्ट 4 नंबर पर पहुँच जाओ, 4 इंच के बाद डायरेक्ट 6 नंबर पर पहुँच जाओ, उसके लिए आप टैब में उस साइज को रीसेट कर देते हो ताकि आप डायरेक्टली जंप करके उस पोजीशन पर जा सको। इस प्रकार से टैब काम करता है। कॉलम और गटर किस प्रकार से काम करते हैं पेज मेकर 7.0 में। कॉलम का मतलब होता है अगर एक पेज में आप एक से ज़्यादा कॉलम देना चाहते हैं, एक पेज में, इसी पेज में जैसे ये पेज बना हुआ है, इसी पेज में आप एक से ज़्यादा कॉलम देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे कॉलम गाइड पे जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम जितने भी आपको देना है वो नंबर ऑफ कॉलम आप यहाँ पर सेट कर लें। मान लो हमने दे दिए 4 कॉलम लगाना है, ओके कर देंगे। ये देखिए 4 कॉलम यहाँ पर आपको पेज के अंदर दिखाई देने लगे। कैसे सेट करना है ये बस आपको पता होना चाहिए ताकि आप इसे आसानी से जब आपका एग्जाम होता है तो वहाँ पे लिख सको कि किस प्रकार से होता, ठीक है। पैलेट्स इंपॉर्टेंट है, पैलेट्स के बारे में समझ लो, कौन कौन से पैलेट्स होते हैं नाम याद कर लो। टूलबॉक्स होता है, कंट्रोल पैलेट होता है, कलर पैलेट होता है, स्टाइल पैलेट होता है, लेयर पैलेट होता है और मास्टर पेज पैलेट होता है। ये नाम बिल्कुल रट्टा मान लो कौन कौन से पैलेट्स होते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट सेकेंड के लिए पेज मेकर में अभी इतना ही, अगली यूनिट में और डिटेल में पेज मेकर को पढ़ना है उसमें और समझ लेते हैं। और इसके अलावा एक अलग